तो वहीं मंकी पॉक्स वायरस को लेकर मध्य प्रदेश में चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। मंकी पॉक्स पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। एमपी में मंकी पॉक्स का एक भी केस नहीं है, नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया है। मंकी पॉक्स को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, सरकार पूरी तरह नजर बनाए हुए है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का मंकी पॉक्स को लेकर यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक भी केस हमारे राज्य में नहीं है, लेकिन इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, सरकार पूरी तरह से नजर इस पूरे मामले पर बनाए हुए है। सभी जगह पर सरकार निगाह रखे हुए है, सभी जगह ताकीद की हुई है मंकी पॉक्स को लेके, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी कोई स्थिति है नहीं और अभी कोई संभावना दिखती भी नहीं है, पर उसके बावजूद भी हमने सभी प्रदेश के अंदर इसकी खबर भेज दी। वहीं ओबीसी आरक्षण के मसले पर प्रदेश में सियासत चरम पर है। इसी बीच इंदौर में पत्रकार से चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल और पूर्व मंत्री सचिन यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने कहा कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की संख्या 52% है, उस लिहाज से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ओबीसी वर्ग को उनका हक देते हुए 27% आरक्षण दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग से उनका हक छीना है। वर्तमान सरकार की रीति नीतियों के कारण ओबीसी वर्ग उनके हक से वंचित रह गया। सचिन यादव ने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनाव में ओबीसी वर्ग को पार्टी 27% आरक्षण देगी। अपनी सोच के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय कमलनाथ जी ने हमारे बिना मांगे हमको 27% आरक्षण देने का काम किया, लेकिन इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र किया, एक धोखा किया, सरकार गिराने का काम किया और सरकार गिराने के बाद जो 27% आरक्षण हमको हमारा जो अधिकार था उस अधिकार को लेकर के गलत तथ्य और सही तरीके से पैरवी माननीय न्यायालय में नहीं प्रस्तुत की, उसी का परिणाम है कि आज जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं वो सभी के सामने है। छह निजी स्वार्थ है, जब चुनाव का समय आता पिछले उसमें भी आप सब इसके गवाही हैं कि जब पिछले समय चुनाव का आया था तो डीजल पेट्रोल इसके दाम कम कर दिए थे और उसके बाद जैसे ख़त्म हो गया फिर से डेली उसका बढ़ते गया, डेली बढ़ता गया, आज तक बढ़ता रहा। अब फिर ये चुनाव का समय आया है फिर से यहाँ कर रहे हैं कि माने डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जा रहे हैं और इसके बाद फिर बढ़ेगा, तो इनकी फितरत में है, इनका इरादा जो है गरीबों को राहत देने का नहीं है। तो वहीं नीमच में बुजुर्ग की पीट पीट कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनासा पुलिस ने शनिवार को आरोपी दिनेश कुशवाहा को गांव हासपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के दौरान शहर के प्रमुख बाजारों में पैदल घुमाते हुए जुलूस निकाला। आरोपी को घटनास्थल पर भी ले जाया गया। गौरतलब है कि आरोपी ने रतलाम के बुजुर्ग को विशेष समुदाय का व्यक्ति समझकर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी, जो सोशल मीडिया में बीते दिनों वायरल हुआ था। आरोपी के कृत्य से लोगों में भी काफी आक्रोश है। फिलहाल पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी को रिमांड पर लेकर हम आए हैं। आरोपी से रिमांड अवधि में पूछताछ की जाएगी कि उसके द्वारा किन परिस्थितियों में अपराध किया गया और उक्त अपराध में और किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता है या नहीं, आदि बिंदुओं पर जांच करके अनुसंधान किया जाएगा।